आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में प्रतापगढ़ में भी कांग्रेस की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। सूरजपोल चौराहे पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सभी फसलों पर एमएसपी कानून बनाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली की सीमाओं पर फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सूरजपोल चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमल सिंह गुर्जर ने बताया कि 2014 में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी का कानून लागू करने की बात कही थी। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस घोषणा पर कोई अमल नहीं किया गया। इस मांग को लेकर जब किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उन पर गोलियां बरसाई जा रही है, उनको दिल्ली जाने से भी रोका जा रहा है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू कर किसानों को अपना समर्थन मूल्य देने के लिए उन्हें गारंटी प्रदान की जाए, अन्यथा किसान अपने हक के लिए ऐसे ही लड़ता रहेगा, झुकेगा नहीं। आज AICC और PCC के दिशा निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी प्रतापगढ़ और कांग्रेस के किसान संगठन के द्वारा आज प्रतापगढ़ गांधी चौराहे पर मिसाल जुलूस निकाला गया और भारत सरकार के द्वारा और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा जो चुनावी वादे किए गए कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम MSP लागू करेंगे और पिछले 10 साल से किसान अपनी जिंसों के उचित भाव के लिए MSP की मांग कर रहा है और MSP की मांग को लेकर किसान दिल्ली को कूच किया, उसके बाद सरकार द्वारा और दिल्ली पुलिस द्वारा उनको रोका गया शंभू बॉर्डर पर, और शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक तरीके से किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन सरकार द्वारा दमनकारी नीति अपनाते हुए किसानों के ऊपर निर्मम गोलियां चलाई गई और हमारे किसान भाइयों की हत्या की गई। किसान भाई जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले तथा इस सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, उसके लिए हमने आज मिसाल जुलूस निकाला और 2 मिनट का मौन रखकर किसानों को सत्य श्रद्धांजलि दी। हमारी मांग है कि इस भारत की गुंगी बेरी सरकार होश में आए और अपने द्वारा जो वादे किए गए उन वादों को निभाए और किसान की जायज मांग जो MSP लागू करने के लिए किसान मांग कर रहा है, हमारी मांग है कि हिंदुस्तान में MSP तय किया जाए और MSP लागू किया जाए। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको हिंदुस्तान में लागू किया जाए ताकि जो किसान आज देश में आत्महत्याएं कर रहे हैं आत्महत्याएं रुके और देश का 80% अर्थव्यवस्था जो किसानों के ऊपर आधारित है और आज किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, व्यापारियों के हाथ में भाव हैं, जब मन चाहे तब भाव आसमान छू जाते हैं और उसका बोझ आम जनता को भी सहन करना पड़ता है और महंगाई बढ़ती जा रही है दिनों दिन और किसानों की जिंसों का भाव दिनों दिन गिरता जा रहा है जिससे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो हमारी मांग है कि हिंदुस्तान में और भारत सरकार MSP लागू करे और किसानों की जो जायज मांग है इस पर सकारात्मक रवैया अपनाए और किसानों से बात करें और किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। अगर किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हिंदुस्तान का किसान चुप नहीं रहेगा और सरकार को अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी और किसानों की बात माननी पड़ेगी और किसान कभी भी झुकने वाला नहीं है। देश की आज़ादी के लिए भी किसानों ने कुर्बानियाँ दी है, किसान पूरी ताकत से लड़ा है और आज अपने हक अधिकारों के लिए भी किसान लड़ेगा और जो भी भुगतना पड़ेगा वो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी।